विजिट के लिए जाते हैं, एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं, एक अच्छी जॉब सर्च करने जाते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं और इतना पैसा लगाकर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं। ये पाकिस्तान से कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से गए हैं और एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चलता है कि 90% जो लोग हैं वो पाकिस्तानी बैगर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रीज में जो हैं वो स्पेशली अरब कंट्रीज में जो हैं वो मांगने के लिए जाते हैं और वो भी भीख। तो मतलब कि 90% जो हैं, 100% में से 90% पाकिस्तानी हैं जो बैगर्स हैं। और मुझे ये देखकर सुनकर हैरानगी भी और हंसी भी आई और अजीब भी शेम फील भी हो रहा है कि यार पाकिस्तान से 90% लोग गए हैं वहां पर और बाकी जो 10% है वो अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो वीजा लगवाना बहुत बड़ी बात है और ये बात मैं नहीं कह रही, पाकिस्तान की मीडिया कह रही है। एक रिपोर्ट आई है और पूरे पाकिस्तान की मीडिया पर इस वक्त न्यूज चल रही है कि 90% पाकिस्तानी जो है वो बैगर हैं आउट ऑफ कंट्रीज में। मतलब यहाँ 100% में से बैगर्स जो है ना वो 90% पाकिस्तान से है। तो ये करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि क्या सिनेरियो है और पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। क्लिनिकली सफीर ने इंकशाफ किया है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ पकड़ कर। पाकिस्तानी भिखारी यहां से उमरा और ज़ियारतों के वीजा पर जाते हैं और वहां जाके जुराय में मुलव्वस होते हैं, चोरी चिकारी करते हैं और भीख मांगते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुस्तहसिन नवाज। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इंकशाफ किया है कि ज़्यादातर बेकारी जो हैं वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े गए हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्राउड मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए, किसी चीज़ में तो हम जो है ना वो एक्सेल कर रहे हैं ना। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। बेसिकली आप ये देखें कि राइट नाउ पाकिस्तान की जो कंडीशंस हुई हुई हैं, जिस तरह से इकोनॉमिकली जो है ना वो मेल डाउन चल रहा है और जॉब्स मिल नहीं रही हैं, तो आपने ये देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में वैसे भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है और लोग जो है ना वो इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि वो लोगों से जो है ना वो मांगना शुरू कर दें। तो ऑब्वियसली बात है, ये आप कह लेंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जब ये ख़त्म हो जाती है बंदे की जो है ना वो खुद को फीड करने के लिए, तो वो फिर भिखारी बन ही जाता है। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में करने से बेहतर ये है कि चलो बाहर चले जाएँ, बाहर रियाल मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे, दरहम मिलेंगे। और ये देखें कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में जो है ना इजाफा होगा। सऊदी अरेबिया और इराक ने कहा है कि हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों को पकड़ पकड़ के। जितने भी यहाँ पे बेकारी पकड़े जा रहे हैं उनमें 90% पाकिस्तानी बेकारी हैं। मतलब पाकिस्तान में मांग मांग के थका आ गए, तो उन्होंने कहा महंगाई बड़ी होगी, यहाँ पे मांग के कुछ बनता नहीं है, तो चलो बाहर चले जाते हैं। बेसिकली ये देख रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन भी तो बहुत ज़्यादा आ गया है ना। अब हम जिस मार्केट में खड़े हैं यहाँ पे 2 मिनट बैठ के कहीं पे भी खा सकते हैं? नहीं। 10 से 15 जो है ना वो आपको यूजली जो है ना वो विजिट करते हुए जो है ना वो मिलेंगे। तो अब यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, बाहर जो है ना वो मार्केट खाली थी। अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि ट्रैवल करके वहाँ पे चले जाएं और उस मार्केट को भी जो है ना वो कैप्चर किया जाए। आपको पता है ये उमरे और ज़ियारतों के वीज़ा पर बाहर जाते हैं फिर वापस नहीं आते। वहाँ जाके उमरे के दौरान लोगों की जो है जेबें काटते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो एक्सपर्टी है इस चीज़ में ना, क्योंकि मैं खुद जो है ना वो 3-4 दफ़ा विक्टिम बना हूँ, ठीक है। दाता दरबार गए थे देगे लेके चावल बांटने में, उस दौरान पता भी नहीं चला कि कब जेब जो है ना वो काटी गई है। अगली दफ़ा मैंने वॉलेट रखा, उसमें पैसे नहीं रखे, मैंने कहा इस दफ़ा अगर काटेंगे तो पता चल जाएगा, चलो मैं अलर्ट रहता हूँ, लेकिन फिर भी वो काट के लेके नहीं पता चलने दिया। ये सोचें कि हमें पता नहीं चल रहा तो बाहर के लोगों को बेचारों को क्या पता चलेगा उनके साथ क्या हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो तरक्की कर रहे हैं। और आप ये देखें कि वहाँ पे जितने वो कमाएंगे वो पाकिस्तान में भेजेंगे, पाकिस्तान के जो है ना वो रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और उससे जो है ना वो हम तरक्की करेंगे। और अगर उन्हें सारे बेकारी पाकिस्तान वापस भेज दिए तो हम और ज़्यादा भेज देंगे। अब जहाँ जितनी एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में है ना, मोस्टली चांसेस हैं कि ये तादाद जो है ना वो बढ़ने वाली है इन फ्यूचर, ये कम नहीं होगी। सही। अच्छा, आपको नहीं लगता है इस तरह पाकिस्तान बड़ा मतलब डीग्रेड हो रहा है? ऑलरेडी हमारे सियासतदानों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, बाकी रही सही कसर ये बेकारी पूरी कर रहे हैं।
बेसिकली आप ये देखें कि आपका एक जो है ना वो इमेज, खैर मजाक एक साइड पे होने के बाद, आप ये देखें कि इसका जो है ना वो एक पूरी दुनिया जो है ना वो इस चीज़ को लेती है कि भाई पाकिस्तानी में लोग जो है ना वो रहते किस तरह से, और वहाँ की हम बेसिकली अपना पॉजिटिव इमेज जो है ना वो कैसे पोर्ट्रे करेंगे। आप ये देखें कि जब हमारे लोग जो है ना वो इस तरह से बैठ जाएँगे और इस तरह की हरकत करेंगे, आप ये देखें इंडिया दूसरी साइड पर देख लें, वो पूरी दुनिया में एज अ स्किल्ड लेबर के तौर पर जो है ना वो जाना जाता है, ठीक है, के वो कहते हैं कि भाई सबसे चीपेस्ट जो स्किल्ड लेबर है ना वो इंडिया से जो है ना वो आती है, इस वजह से वो सारी की सारी कोई भी यू नेम इट एनी यूनिवर्सिटी एनी कंपनी वहाँ पे जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो इंडियंस होंगे, ठीक है। और पाकिस्तान जो है ना वो जाते हैं पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में, वो कहते हैं हमें इंडियन से जो है ना वो हाफ पे मिलती है, बेसिकली हाफ पे मिलती है इस वजह से कि हमारे यहाँ पर जो इंजीनियर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी एक जो है ना वो टेस्ट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस जब हुआ था कि डिग्रीज जो है ना वो फेक निकलना शुरू हो गई थी। फिर सेकंड ये है कि हमारा एजुकेशन सेक्टर इतना अच्छा नहीं है। फिर थर्ड ये है कि हमारे जिस तरह से ये बिगाड़ी जा रहे हैं, बैगेज जो है ना वो जा रहे हैं, तो ये एक हमारे इमेज को जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये शेमफुल एक्ट तो है, लेकिन अब क्या करें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ही इतनी है कि हम किसी को भी जो है ना वो ब्लेम गेम तो कर ही नहीं सकते। आपका नाम? जी मेरा नाम अकनवाज है, मोहम्मद नईम। सर, सेक्रेटरी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इंकशाफ किया है कि बैरून मुल्क जितने भी बेकारी पकड़े जा रहे हैं उनमें 90% पाकिस्तानी है, ज़्यादातर पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा रहे हैं और वहाँ जाकर भीख मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि बड़ी शर्म वाली बात है, अगर ये पाकिस्तान के लोग अगर इस तरह पकड़े गए हैं, ये बहुत बहुत बड़ी यानी कि शर्म की बात है, इसलिए पाकिस्तान का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है। ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस तरह अगर कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो रहा है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। सर, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, क्योंकि जो है ना इन लोगों का आप वीज़े वगैरह जो है ना ऐसे बंदों को आप देखें ना दें वीज़े, जो उधर जाके ये काम करते हैं गलत करते हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी इज्जत तक ये कर दें, क्योंकि मैं खुद भी रहा हूँ सऊदी अरब में, वहाँ पर वाकई ऐसे ही होता है, जब वो जाते हैं ना उम्रे पर गए, वो जाते इधर से मियाँ बीवी हैं, जब वो वापस आते हैं ना वो उनके पास तीन तीन बच्चे होते हैं, वो उधर जाके छुप जाते हैं, या कोई यहाँ के उधर भीख मांगते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर जाके उधर जो है ना उनके सऊदी कानून ये है, उधर उनको जो है ना जेल में लेके जाता है वो 10-15 दिन के बाद, फिर उनको सफ़र करवा देते हैं। आपने कहा उन्हें जेलों में बंद करते हैं, सऊदी अरेबिया ने और इराक ने कहा कि हमारी जेलें भर गई हैं, पाकिस्तानी बेकारी इतने ज़्यादा हमारी जेलों में भर गए? वो बहुत ज़्यादा हैं उधर, बिल्कुल है, इसमें जो है ना मैंने खुद देखा उधर यहाँ के इशारे पर छुप के, हालांकि उधर पाबंदी है मांगना, बहुत ज़्यादा सख्ती होती है वहाँ पे, लेकिन ये भी छुप छुप पे मस्जिद नबवी में हो गए, ये कि हरम पाक के अंदर गेट गए, अंदर जिधर भी जद्दे चले जाएं आप उधर खड़े हुए हैं ये मांगते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शर्मनाक की चीज़ है, ये आप हमें देखना चाहिए। सर, ये यहाँ से जाते हैं उम्रे के ज्यारतों के वीज़ाज लेकर और वहाँ जाके मांगना शुरू कर देते हैं? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, इस वजह से जाते हैं, इधर से जाते हैं मियाँ बीबी, उधर सालों साल छुप जाते हैं, तो ऐसे बंदे हैं ज़्यादातर जो है ना हम सिंध के कह दें। अच्छा। उधर के ज़्यादा जाते हैं, कराची और सिंध के, इधर के हम तकरीबन 90% लोग जो जाते हैं उधर उम्रे के लिए, वो उधर जाके छुप जाते हैं, तो वो उनके यही काम करते हैं, या भीख मांगना होती है या कोई छोटा मोटा कोई काम कर, काम तो ठीक है छोटा मोटा बंदा जो करे, भीख मांगना फिर ये तो। सर, पाकिस्तान में भी आप देखें कितने बेकारी हैं, आप किसी चौक चौराहे पर खड़े हो जाएँ आपको 1 से 2 दर्जन बेकारी आपको आके घेर लेते हैं, पाकिस्तान में बेकारियों की कोई कसर रह गई थी जो इन्होंने दूसरे मुल्कों में भी जाके ये काम करना शुरू कर दिया है? पाकिस्तान की तो बात मैं तो कहता हूँ, इधर ही हम खड़े हैं ना, ये कहीं भी देखें खड़े होंगे बेकारी कोई ना कोई, जिधर भी हम जाएं 2-3 आ जाते हैं जिधर भी हम खड़े हैं, लेकिन बस ये हुकूमत को देखना चाहिए, और गुर्बत भी इतनी है और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, और वो क्या करें, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो मांगे ना तो बची रहो क्या करें। नहीं सर, आप देखें ना, मांगना भी कौन सा अच्छी बात है, बंदा कोई मेहनत मुशक्कत कर ले, अब आप देखें कि दिन ब दिन पाकिस्तान में बेकारियों की तादाद कितनी बढ़ गई है। नहीं नहीं, वो तो बहुत बड़ी, मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैं जाता हूँ जब इशारे पे एक इधर से आ गया, जिस इशारे पे जाएं कम से कम 15-20 तो खड़े हैं। सर, पहले ही हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल बेकारी है, हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। हमारे सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं, वो जिधर है ना आप यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वज़ीर आज़म आ जाता है हमारा, अभी देखिए ना आप यूट्यूब पे आप भिखारी लिखे ना, वो हमारा ये वज़ीर आज़म आ जाएगा पाकिस्तानी, तो मकसद ये है, हम भिखारी तो मकसद में अच्छी
चाहे हुक्मरान है जो है, लेकिन नहीं मांगनी चाहिए। आपको पता है इस्लाम में हाथ फैलाने को सबसे ज्यादा बुरा तस्वीर किया गया है। बहुत बुरी अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। आपको क्या लगता है हम इसकी जिम्मेदार कौन है? हमारे हुक्मरान है और हमारे जो है ना ये जो अपना अमले के हैं वही और क्या यही जिम्मेदार हैं। इनके पाबंदी करें, उसको पकड़ें, कम हो जाएंगे। आपको लगता है कि इनको डिपोर्ट कर देना चाहिए, पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इनको उधर जेल में पड़े हुए हैं ना, इनको थोड़ी बहुत सजा देनी चाहिए। इनको पता चलना चाहिए ये बुरा काम है। एक बंदा मजदूर होता है, चलो ठीक है, समझ आ जाती है ये मजदूर है, ये काम नहीं कर सकता, ये बेरोजगार है, ये मकसद में कोई हार्ट टिकाट ये सेहतमंद बंदा। क्योंकि आप ओके फ्रेंड्स, ये सुन ली आपने पाकिस्तान की पब्लिक की कुछ राय, तो जाहिर सी बात है पब्लिक जो है वो क्रिटिसाइज कर रही है और तंजिया बातें भी कर रही है, और इसके पीछे भी एक शेम है। मतलब जाहिर सी बात है वो शर्मिंदा है, तंजिया बात करने का मतलब ही यही है कि वो शर्मिंदा है और उनको बुरा फील हो रहा है कि यार हमारे पाकिस्तान से जो है इराक, ईरान और सऊदीया, दुबई जो है यूएई में, ये पाकिस्तान से ही लोग जाते हैं विजिट के तौर पर, ज्यारत के तौर पर, उम्रे के तौर पर, और वहां पर जाकर फिर भीख मांगते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इसकी कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि लोगों में ना शर्म मुक गई है, मतलब खत्म हो गई है, हम पंजाबी में वर्ड है मुक गई है, तो वो बिल्कुल इन पे सूट करती है कि पाकिस्तान की देखें सबसे मेन चीज ये है कि मेहनती नहीं है, एक ये चीज है। इसी वजह से बैगर्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और इंडिया में भी होंगे डेफिनेटली, इराक ईरान में भी होंगे, इन कंट्रीज में भी होते हैं। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान में तादाद इसकी ज्यादा क्यों है, उसकी खास वजह ये है कि यहाँ पर एजुकेशन कम है और जो हमारे विलेज साइड के जो लोग हैं उन लोगों में एजुकेशन बच्चों को दी नहीं जाती है, और दी भी जाती है तो 5 क्लासें पढ़ा देते हैं, उसके बाद उनके माइंड में यही होता है करनी तो उसने खेती बाड़ी है, तो वो बेचारे फिर निकल कर बाहर शहरों में आते हैं और वहां भी उनको रोटी मिलती नहीं है, उनको जॉब नहीं मिलती, खज्जल ख्वार होते हैं जिसको हम कहते हैं कि जलील होते हैं रोडों पर। फिर उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि यार पाकिस्तान से बाहर चलते हैं, वहां पर जाएंगे, वहां पर भी जाहिर सी बात है कोई बैठ कर आपको रोटी नहीं खिलाता, तो वहां पर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनती तो हमारी आवाम है नहीं, अगर मेहनती होती तो तालीम भी हासिल करती, पाकिस्तान में भी आपको जॉब्स मिल जाती। मैं कहती हूँ कि कराची एक ऐसा शहर है जो किसी को भूखा सोने नहीं देता अगर आप कोशिश करोगे तो, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग कोशिश नहीं करते, जो साफ बात है। क्योंकि कराची इतना बड़ा शहर है और कराची में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि आपकी सोच है, लेकिन आप मेहनती भी तो बनो ना, आपके पास हुनर भी तो हो ना, आपके पास तालीम भी तो हो। लेकिन क्या है कि हमारी आवाम को पैसा ज्यादा चाहिए, मेहनत नहीं करनी है, तो जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्री में जाकर वहां पर उनको यही आसान तरीका लगता है कि यार बैठते हैं भीख मांगते हैं, कौन सा हमें किसी ने पहचानना है, यहाँ से भीख मांगेंगे और रात में जाके टिक्के चरगे खाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन ये एक बहुत ही शेम बात है कि शेमफुल एक्ट है कि पाकिस्तान का नाम ये लोग डबो रहे हैं, पाकिस्तान का नाम ये खराब कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में जाके, जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को भी काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है और हमें भी उसी निगाह से देखा जाता है। वैसे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो उनको भी इसी नजर से ही देखा जाता है कि भीख मांगने आ गए, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि भाई मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या करूँ ये तो मेरी मजबूरी है। मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर भी इसी की वजह से फेमस हैं और अब आवाम भी इसी, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम करने में और जलील करने में। सो बड़ी बुरी बात है यार, आप मेहनत करो, कमाओ। भारत के लोग भी हैं, बांग्लादेश के लोग भी हैं और कंट्रीज भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं हमारी तरह ही, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं और इतना पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, इज्जत की कमाते हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते। और अगर मांगते भी तो 100 में से 90% लोग भीख मांगने नहीं जाते वहां पर, 5-10% जो होते हैं वो जो जाते हैं। लेकिन हमारे ऐसा नहीं कि हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वहां पर कमाई करने ही भीख मांगने जाते, ऐसा नहीं, मजदूर भी हैं, मेहनत कश भी हैं जो मेहनत करके खाते हैं,
इज्जत तक खाते हैं, लेकिन हमारे जो रिपोर्ट के मुताबिक 90% जो जेलों में लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तानी 90% है उनमें से, बाकी 10% अदर कंट्रीज में से बिलोंग करता है। तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत शेमफुल एक्ट है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम जितना इन्होंने तबाह करना था कर दिया है और मजीद कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कॉमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड